फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल सुकून हाइमर्स। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मैं इंटरेस्टिंग DIY आइडियाज आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है। अलग कैसे? क्योंकि आज की वीडियो एक हॉल वीडियो रहने वाली है, जो कि न्यू सेलर्स के लिए, जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी न्यू सेलर अपना फ्लोर ज्वेलरी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा जाए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जैसे कि जब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था फ्लोर ज्वेलरी का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं फ्लोर ज्वेलरी में डील करती हूँ। फ्लिपकार्ट पर मेरे फ्लोर ज्वेलरी, हल्दी सेरेमनी के लिए जो ज्वेलरी यूज़ होते हैं वो मैं सेल करती हूँ। तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए था। सभी सेलर का यही होता है ना कि उनको आइडियाज होना चाहिए कि कहाँ से मटेरियल खरीदा जाए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, सब लोग सर्च करते हैं, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कहाँ से खरीदें। तो दिल्ली मेरे नज़दीक पड़ता है, तो मैं सदर बाज़ार और चांदनी चौक का आइडिया मुझे मिल गया था यूट्यूब से। लेकिन अब सदर बाज़ार और चांदनी चौक ऐसा तो है नहीं छोटा सा मार्केट हो कि आप गए और सामान ले आए। तो मैंने सर्च किया कहाँ पर पेपर फ्लावर्स मिलेंगे, कहाँ पर फोम फ्लावर्स मिलेंगे, कहाँ पर इयरिंग हुक्स मिलेंगे, कहाँ पर बीड्स मिलेंगी, कहाँ पर जंप रिंग्स मिलेंगी। तो ऐसे बहुत सारा मटेरियल हमें चाहिए होता है फ्लावर ज्वेलरी के लिए, पोलन्स एंड एक्सेट्रा। तो ये सब मेरे कंसर्न थे। अब ऐसा है नहीं कि मैं दिल्ली में डेली विजिट करती रहती हूँ, मैंने इनफैक्ट कभी अपने आप से दिल्ली विजिट भी नहीं किया था, और अब मुझे विजिट करना है अपने काम के लिए। तो एक तो यही मेरे लिए चैलेंजिंग पार्ट हो गया कि मुझे दिल्ली से कुछ शॉपिंग करनी है, वो भी खुद से जा कर के। तो फिर मैं और मेरी कज़िन गए थे, तो हमने शॉपिंग की, लेकिन बिल्कुल भी सिनारियो वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। हम पहुँच गए टाइम पर, मार्केट 11-12 बजे के लगभग मार्केट ओपन हो जाता है, हम टाइम पर पहुँच गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, लगभग 1-1.5 बजे तक ही वहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी थी, इतनी भीड़ हो गई, इतना रश था, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इतनी भीड़ में शॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और दूसरा, हम अपने कैरी बैग्स नहीं लेकर गए थे, तो सामान को कैरी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमने वहाँ से ही कैरी बैग परचेज़ किया। तो मैं आपको बोल देती हूँ, जब भी आप मार्केट में जाएँ तो अपने कैरी बैग अपने साथ लेकर जाएँ और खाना भी साथ ही लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी हाइजीनिक खाना नहीं मिलता। मुझे बोला था मम्मी ने खाना लेकर जाना, लेकिन मैं नहीं लेकर गई थी, तो मुझे खाने का बड़ा दिक्कत हुआ वहाँ पर। वहाँ पर आप बैठकर भी नहीं खा सकते खाना, वहाँ पर जगह ही नहीं होती है। तो अपना कैरी बैग और अपना खाना सब अपना साथ लेकर जाएँ आप। और दूसरा, अब सदर बाज़ार और चांदनी चौक ये तो है नहीं कि अगर आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर सामान मिलेगा तो आपको जाते ही सामान मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुटकियों में कुछ नहीं होने वाला वहाँ पर। तो हमने बहुत दुकानें सर्च की। अब किसी को सामान पूछते तो उसको सामान का पता ही नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ पोलन चाहिए, ये चाहिए, तो लोग मुझे पूरा ज्वेलरी दिखाने लग रहे हैं, फिर कुछ भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली मुझे तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? अब ये भी मेन कंसर्न हो जाता है कि रॉ मटेरियल की शॉप कहाँ पर है। तो अब मैं जैसे कि मैं 4-5 बार वहाँ पर होकर आ गई हूँ, तो अब मुझे मालूम है कि कहाँ से क्या खरीदा जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया मुझे कहीं पर भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन आपको इस एक वीडियो से सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर आपको किस मार्केट में क्या मिलने वाला है, दूसरा उसके प्राइस क्या रहने वाले हैं, जैसे कि कोई आपको वहाँ पर लूट वूट ना ले, क्योंकि मैं तो लूटी हूँ। और मैं आपको बता दूंगी कि किस शॉप पर किसने मुझसे मतलब कितने पैसे लिए हैं। और मैंने एक प्रोडक्ट पर मैंने 80-80 रुपए का लॉस झेला है। अब सामान क्या क्या चाहिए ये भी पता होना चाहिए। मार्केट जाने से पहले अपना एक लिस्ट तैयार करके रखिए कि आपको क्या क्या सामान चाहिए। और जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूंगी, आपको ज़्यादा कहीं घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। एक मार्केट में जाएंगे, आपको सारा सामान उधर से मिल जाएगा। आप अकेले तो बिल्कुल मत जाना, किसी के साथ जाना, जिससे कि आप किसी भी गली में जाने में भी आपको दिक्कत ना आए। अकेले गली में जाना सेफ नहीं है। आपके साथ आपका भाई, आपकी कोई फ्रेंड हो तो आप उनके साथ जाएँ, तो गलियों में जाकर के सामान और भी सस्ता मिलेगा। क्योंकि मैंने तो बाहर से ही सामान सारा परचेज़ किया है, मैं गलियों के अंदर नहीं गई हूँ। तो जैसे कि हमें फॉर्म फ्लावर्स चाहिए होता है, पोलन्स चाहिए,
ये इयरिंग हुक्स चाहिएंगे, गोटा फ्लावर्स, और ये डोरियां हैं सेट बनाने के लिए यूज होती हैं, देखिए बीड्स हैं, और ये स्मॉल साइज बीड्स हैं। ये मैंने मांग टीका के लिए यूज की थी इनिशियली मैंने ये वाली यूज की थी, मैं मतलब तागे में नीडल की हेल्प से इनकी चेन बना करके यूज़ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, सस्ता तो पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इस बार फिर मैंने सोचा कि चेन ही ले ली जाए, तो मैंने आपकी बार ये चेन ली है। तो आप देख लेना, अगर आपको कुछ कम क्वांटिटी में ही बनाना है तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैं चेन ही प्रिफर करूँगी, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितना हम टाइम बचा सकेंगे उतने उसी टाइम में हम कुछ और भी मटेरियल बना सकेंगे। तो चलिए मैं सभी ये प्राइस डिटेल आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और बाकी जो भी डिटेल्स होंगी प्राइस के साथ कि किस मार्केट में क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्म फ्लावर्स शेयर करती हूँ आपके साथ। ये फॉर्म फ्लावर्स है, देख लीजिए। मेरे मोस्टली सारा मटेरियल जो भी होगा मेरा मटेरियल सारा येलो कलर में, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया है। जो भी मेरा फ्लावर ज्वेलरी है वो हल्दी फंक्शन के लिए होता है, क्योंकि हल्दी फंक्शन की फ्लावर ज्वेलरी आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो इसमें बिजनेस स्टार्ट करना अभी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। इस काफ़ी मार्जिन आप बना सकते हैं इसमें डील करने पर। तो ये फोम फ्लावर्स हैं येलो कलर के। इसका पैकेट जो आई थिंक मुझे लगता है ये 210 का पड़ा था मुझे एक पैकेट, और यही पैकेट अगर मैं लोकल मार्केट से लूँगी तो ये मुझे पड़ेगा 500 के अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे को ये काफ़ी रीजनेबल लगा, क्योंकि मैं अपने लोकल मार्केट से लेती हूँ ये पैकेट, तो ये मुझे 500 का पड़ता है, और वहीं मैंने सदर बाज़ार से लिया तो ये मुझे पड़ा है 210 रुपीज़ का। इसके अंदर क्या कितने फ्लावर्स होते हैं मैं बता देती हूँ। 12 बंचेज होते हैं और हर बंच के अंदर 12 फ्लावर्स होते हैं, तो टोटल 144 फ्लावर्स होते हैं एक पैकेट के अंदर। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इन फ्लावर्स की, और ये सदर मार्केट में ही है। मैं सदर मार्केट में भी एक मार्केट है, मैं उसका नाम बता दूंगी आपको, वहाँ से आपको ये परचेज़ करना है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको सारी डिटेल दे दूँगी मार्केट की भी, ठीक है? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नेक्स्ट है ये है पेपर फ्लावर्स। तो पेपर फ्लावर्स का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके अंदर मेरे को बड़ा लॉस हुआ है। मतलब प्राइस तो ठीक था इनका, लेकिन 200 का पड़ा था मुझे एक पैकेट। इसके अंदर भी 144 फ्लावर्स ही है इस पैकेट के अंदर, ये छोटा पैकेट लग रहा है लेकिन इसके अंदर 144 फ्लावर्स ही है, लेकिन इसमें मुझे बड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि होता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप मार्केट में जा रहे हो और आपको सामान मिल जाए वही मतलब आपको जन्नत लगता है, आपको सामान मिल गया। मैंने क्वालिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर मेरे को इसमें बड़ा लॉस हुआ है कि क्वालिटी इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी इन फ्लावर्स की, पेपर फ्लावर्स की। हाँ, कुछ पैकेट्स अच्छे थे लेकिन कुछ पैकेट्स तो बहुत वाहियात थे, लेकिन अब क्या है, तो ख़रीद लिए तो ये तो लॉस मेरे को झेलना ही पड़ेगा। तो ये मुझे 200 के पड़े थे, ये मैंने आपको बताया 210 के हैं फोम फ्लावर्स। और अगर आप गलियों के अंदर जाएंगे ना, तो पक्का ये आपको दोनों फ्लावर्स के ना और कम रेट में आपको पक्का मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद ये है पोलन। तो बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, रेट सभी शॉप पर सेम ही थे, लेकिन ये पोलन्स है ना, ये मैंने पान मंडी से ख़रीदे थे, सदर बाज़ार में ही पान मंडी नाम से एक मार्केट है, वहाँ से मैंने ख़रीदे थे ये। तो ये मैंने दुकान का नाम आई थिंक कुकू प्लास्टिक करके था, वहाँ से लिए थे, और उस शॉप का मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था। तो ये मुझे उसने दिए थे 200 में, लेकिन फिर मैं गली में गई, थोड़ा गली में जाने के बाद थोड़ा सा अंदर ही गई थी गली में, तो मेरे को जाने के बाद पता चला एक शॉप पर, मैंने इसका प्राइस पूछा, क्योंकि पहले मुझे ये पोलन्स कहीं मिल ही नहीं रहे थे, उसके बाद मुझे कुकू प्लास्टिक वाले शॉप पर मिल गए, तो मेरे को तो वो एक जन्नत वाली फील आई कि मतलब वाह, मतलब सामान मिल रहा है मुझे। तो मैंने एक ख़रीद लिए 200 में, 10 पैकेट्स ख़रीदे मैंने तो 200 में। उसके बाद जब दूसरी शॉप पर गई ना, तो मुझे पता चला कि 140 का एक पैकेट है। फिर मैंने एक और शॉप पर पूछा, तो उन्होंने बताया 120 का। तो फिर उसके बाद तो सब 120 का ही बता रहे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यही गए वो पैकेट है जिस पर मैंने
₹80 तक का नुकसान झेला है। तो प्लीज़ आप तो बिल्कुल नहीं झेलना ₹80 का नुकसान, तो ये आप 120 में ही लेना। इसके अंदर भी वही 12 बंचेज होंगे, हर बंच के अंदर 12 पोलन्स होंगी, तो टोटल 144 पोलन्स है एक पैकेट के अंदर। ओके, उसके बाद है ये बीड्स का पैकेट है, ये मुझे साइज इसका भी याद नहीं है, आई थिंक ये 4 mm है कि 5 mm का समथिंग है शायद ये। तो ये वाले बीड्स का पैकेट 200 का है, एंड सेम ये वाला पैकेट का भी 200 प्राइस है। ये सब आपको अभी जैसे कि पहले फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो हर चीज़ है ना अलग अलग मार्केट से ली थी, लेकिन अभी जैसे कि मैं अमन बताया कि मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ, तो अब मेरे को अब एक मार्केट पता चल चुका है जहाँ पर एक ही मार्केट में आपको सारा सामान मिल जाएगा। वो मार्केट का मैं नाम आपको बता दूंगी वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो ये भी आपको 200 का पड़ेगा। एंड ये हुक का पैकेट है, ये हुक का पैकेट ये मुझे पड़ा है 550 का, मतलब 550 का ये हुक का पैकेट है। और बीड्स के पैकेट 200-200 के ही हैं। उसके बाद है ये है डोरियाँ हैं, ये जो कि जब नेकलेस बनाते हैं हम तो उसको बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो डोरी है इसका प्राइस है 130 रुपीज़ में, 144 डोरी है ये, ठीक है। तो ये सब मैंने एक लगभग आसपास ही सभी दुकानें थी वहीं से सारा सामान मिल गया था, तो मैं आपको बता दूंगी नाम। सदर मार्केट से लिया था मैंने, और मैं चांदनी चौक में विजिट किया है, लेकिन मुझे सदर मार्केट बेटर लगता है कंपेरेटिव टू चांदनी चौक। ओके, ऐसे ये है, ये मेरा छोटे पैकेट जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब मैंने ख़रीदा था गोटे फ्लावर्स का, क्योंकि मांग जब अपन ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें गोटे फ्लावर्स भी यूज़ होते हैं। ये लाइट गोल्डन कलर में है, ऐसे ही डार्क गोल्डन कलर में भी पैकेट है। इसका प्राइस 100 रुपीज़ था, और इसमें लगभग कितना आई थिंक 170 और 180 गोटा फ्लावर्स थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़े बड़े साइज़ के गोटा फ्लावर्स हैं। और फिर इसके बाद इस बार मैंने थोड़ा बड़ा पैकेट ख़रीदा है, तो मैं उसका भी वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये थोड़ा बड़ा पैकेट है, ये पैकेट आई थिंक 250 ग्राम का है, आई थिंक हाँ 250 ग्राम का, और इसके अंदर लगभग आई थिंक 800-900 फ्लावर्स हैं, और ये मुझे पड़ा है 350 रुपये का। तो ये बड़ा पैकेट है, ये गोल्डन कलर के फ्लावर्स हैं। और एक ये पैकेट है गोटे का, गोल्डन कलर की गोटे, ये भी कभी यूज़ आ जाते हैं, तो ये मैंने पूरा पैकेट लिया है। तो ये पूरा पैकेट वैसे अगर आप इंडिविजुअली लेंगे ना तो आपको वो 1000 रुपये का देगा, लेकिन ये खा देती हूँ। तो इसके अंदर ऐसी लड़ियाँ आएंगी, तो ये लड़ियाँ तो ये ऐसी लड़ियाँ आएंगी, तो ये मुझे 700 रुपये का पूरा पैकेट पड़ा है, 700 रुपये का है। वैसे अगर लेते हैं आप तो 1000 रुपये का पड़ता है, तो मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया क्योंकि यूज़ में तो आ ही जाते हैं ये सब। इसके बाद ये वाली बीड्स हैं, ये फर्स्ट टाइम जब मैं मार्केट में गई थी तब मुझे मिली थी ये वाली सेम बीड्स, मुझे 200 में दिया था पैकेट। और सेकेंड टाइम जब मैं गई थी तो ये वाला पैकेट मुझे 200 में ही मिला, उन्होंने 250 मांगे थे मुझसे। पूजा हैंडीक्राफ्ट करके पान मंडी में एक शॉप है जहाँ से मैंने ये वाले बीड्स ख़रीदे थे, उन्होंने 250 बोला था, तो मैंने 200 बोला, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये वाले बीड्स पहले से ख़रीदे हुए थे, तो मैंने बोला 200 में लेना है, तो उन्होंने दे दिए 200 में। लेकिन फिर अब की बार जब मैं गई थर्ड टाइम, तो ये सेम पैकेट मैंने 160 में परचेज किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस का, अगर आप धीरे धीरे मार्केट में जाने लगेंगे ना तो आप डील करना सीख जाएंगे मार्केट में। देन मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, ये वाले बीड्स मैं मांगटीका की चेन बनाने के लिए यूज़ कर रही थी, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूम प्रोसेस था, तो ये मैंने ख़रीद लिए, वैसे भी काम आ सकते हैं ये बीड्स। तो इस बार फिर मैंने ये ख़रीदी है चेन मांगटीका बनाने के लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक दुकान पर पूछा तो उसने मुझे प्राइस बताया था, एक तो मोटी बीड्स का थी जिसमें जैसे इसमें पतली बीड्स यूज़ हुई है, जो मोटी बीड्स की थी वो मुझे वो दे रहे थे 500 रुपये में या 550 का कुछ था, और ये वाली जो पतली बीड्स थे ये उन्होंने बोला 1250। तो 1250 तो मुझे ज़्यादा लगे थे, लेकिन फिर भी कुछ तो क्वांटिटी का फ़र्क हो, क्योंकि मोटी बीड्स का मैं क्या करती, मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये पतली बीड्स वाला लग रहा था चेन, तो मैंने ये वाला ख़रीदा। लेकिन एक दो दुकानों पे पता किया तो फिर ये मुझे 1000 रुपये में मिल गया। तो आप भी ऐसे एक दो दुकान पहले चेक करें और फिर सामान खरीदकर देखिए।
ये मांग टीका बनाने के लिए, ये 1 किलो की थैली है। अगर आप मोटे बीड्स में लेंगे तो ये 500-550 की पड़ेगी आपको, वही मैंने पतले में लिया है तो ये वही 1 किलो की है। और ये आप ध्यान रखना कि केजी के हिसाब से मिलती है आपको, बीड्स वगैरह जो भी सामान है ये सब आपको केजी के हिसाब से मिलेंगी। तो ये देख लीजिए, ये मांग टीका के लिए बहुत सही है ये। तो ये सब सामान मैंने परचेज़ किया है, और उसके अलावा मैंने पोमपोम भी परचेज़ किए हैं। मैं पोमपोम भी दिखा देती हूँ अभी आपको। तो पोमपोम मैंने 2 दुकानों से ख़रीदा था, एक तो पान मंडी की और एक सदर बाज़ार में एंट्री करते ही 11 नंबर गली है उसके सामने कोई शॉप है तो उससे ख़रीदे थे। जो पान मंडी से ख़रीदे ना, वो मुझे उन्होंने 200 रुपये का पैकेट दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने ज़्यादा क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो ये वाले पोमपोम में इनमें फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब धागे निकले हुए हैं। लेकिन जो मैंने ये तो जो है ये वाले जिनमें फिनिशिंग अच्छी नहीं है, ये मैंने पान मंडी से ख़रीदे थे, पान मंडी के मार्केट से। और एक ये है, और इनका पैकेट मैंने प्राइस बता दिया आपको, 200 रुपये में। और एक ये वाले पोमपोम है, ये बड़ा पैकेट है, ये लगभग आधा किलो का एक पैकेट होता है, इसके अंदर 1500 के लगभग, लेकिन दुकान पर उन भैया ने मुझे बोला था कि इनके अंदर लगभग 1800 पोमपोम मिलेंगे, लेकिन मैंने काउंट करी थी तो इसके अंदर जो 1500-1600 इतनी ही मिली। तो देखिए इनकी फिनिशिंग अच्छी है, और ये एक पैकेट आपको पड़ेगा 350 रुपये का। ऐसे ही मैंने ग्रीन और रेड कलर के भी पोमपोम लिए हैं, ये ग्रीन कलर के हैं एंड रेड कलर के। तो ये सब मैंने सामान खरीदा है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये वाले पोमपोम मैंने पान मंडी से ख़रीदे थे, ये वाले मैंने सदर मार्केट में एंट्री करते ही कोई शॉप थी गली नंबर 11 के सामने, वहाँ से ख़रीदे थे। तो मैंने अलग अलग जगह से मैंने सामान ख़रीदा हुआ है, तो आपको ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक शॉप बता देती हूँ बस, आपको डायरेक्टली शॉप क्या, मैं आपको एक मार्केट बता देती हूँ, आपको बस वहाँ पर डायरेक्ट जाना है और आपको सारा अपना फ्लोर ज्वेलरी का रॉ मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहीं नहीं घूमना, बस डायरेक्ट रुई मंडी में जाना है। रुई मंडी में आपको बीड्स, इयरिंग, हुक्स, गोटा फ्लावर्स, पोलन, डोरी, फॉर्म फ्लावर्स, पेपर फ्लास, सब कुछ आपको वहीं मार्केट में मिल जाएगा। तो यहाँ वहाँ मैंने जैसे घूमा है, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ जाए वही सबसे अच्छा है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके साथ हेल्पफुल वीडियो शेयर करती रहूँगी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। और मैंने जैसे कि आपसे पहले ही बोला है, अपने कैरी बैग अपने साथ लेके जाना है, खाना अपने साथ लेकर जाना है, और अपने सामान का बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ तो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मेरा फ़ोन चोरी होने वाला था। तो अपने सामान को, अपने पर्स को, पैसे को बिल्कुल ध्यान से रखना है, बिल्कुल ध्यान से चलना है। आई होप आपका जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हो वो बहुत फ्लोरिश करेगा, और आप सुकून हैंडमेड्स करके फ्लिपकार्ट पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने लिस्ट किए हुए हैं वो वहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप आइडियाज़ लेना चाहते हैं कि मेरे क्या क्या डिज़ाइंस हैं मांग टीका के और फ्लावर ज्वेलरी का, तो आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।